ये था आज का छोटा सा प्रैक्टिस सेशन. अभी दिन के 3 या 3:30 बज रहे हैं और ठंड शुरू हो गई है, तो हम लोग दिन में आने लगे हैं क्योंकि शाम में बहुत ज़्यादा ठंड होने लगती है अपने इधर, मतलब बेसिकली जहाँ मैं रहता हूँ लखनऊ में. और ये शॉर्ट फिल्म के बाद की पहली वीडियो है, और इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को आप लोगों से ये पूछनी है कि मैं काफ़ी टाइम से बेसिकली मैं ये सोच रहा था कि जैसे ही मेरी ये शॉर्ट फिल्म ख़त्म होगी, 16 पूछूँ मैन्यूस्क्रिप्ट वाली, उसके बाद मैं प्लान कर रहा था अपना एक नया चैनल खोलने का जो कि होगा व्लॉगिंग चैनल. तो आप लोग अभी जाओ कमेंट्स में बताओ कि मेरे को वो चैनल खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, या इसी चैनल पर मेरे को व्लॉग्स अपलोड करने चाहिए, क्योंकि मेरा पूरा मन है. मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है सेटअप वेटअप व्लॉगिंग के लिए, और नया फ़ोन भी आ गया है, और ये वीडियो भी आज पहली, ये मतलब बेसिकली पहली वीडियो है यूट्यूब की जो मैं अपने नए फ़ोन से शूट कर रहा हूँ. बेसिकली शॉर्ट फिल्म का भी कुछ कुछ पार्ट शूट हुआ था फ़ोन से, बट एक प्रॉपर वीडियो जो पूरी इस फ़ोन से शूट हो रही है. तो नया फ़ोन भी आ गया है, अब व्लॉगिंग के लिए मैं पूरी तरह रेडी हूँ, और मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि मैं व्लॉग्स डालूँ आप लोगों को, अपनी लाइफ भी शेयर करूँ. तो आप सब लोग जो है ज़रूर बताना मेरे को कमेंट्स में, अभी जाओ और बताओ कि मेरे को नया चैनल खोलना चाहिए व्लॉग्स के लिए, या फिर ये चैनल पे ही व्लॉग्स डालने चाहिए. मेरा मन है कि मैं नया चैनल खोलूं, लेकिन अगर आप लोग कहोगे कि इसी चैनल पे व्लॉग्स डालो तो देखा जाएगा, मतलब मेजॉरिटी में जितने लोग जो लोग बोलेंगे वो किया जाएगा. मेन मोटिव था मेरा इस व्लॉग का, मतलब इस बेसिकली इस वीडियो का, ये पूछना आप लोगों से कि व्लॉगिंग चैनल खोलना चाहिए या फिर इसी चैनल पर व्लॉग्स कंटिन्यू करने चाहिए. रुको, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो एक और कहानी सुनानी आप लोगों को बाकी है. अब इन गुजरे दिनों में काफ़ी दिन वीडियोस नहीं आई, तो बहुत सारे किस्से हमारे साथ हुए, और अभी जो आप अयाज से मिले वो तो कुछ दिन पहले के अयाज हैं. प्रेजेंट अयाज से पूछिए कि क्या हालात चल रहे हैं आजकल ज़िंदगी में. बट एक छोटी सी कहानी आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि अभी जब हम लोगों का शॉर्ट फिल्म का शूट चल रहा था, तब बेसिकली मेरे को पता चला कि मेरे जो चैनल है उस पर एड्स आना बंद हो गए हैं, यानी कि एड्स जो है बंद हो गए हैं. अब कोई भी यूट्यूबर होगा उसको भी क्यूरियोसिटी होगी कि भैया क्यों बंद हो गए, एक ही जरिया है पैसा कमाने का, वो भी छीन लो, बच्चे की जान ले ही लो बिल्कुल. तो मैंने भी पता किया कि भाई क्या दिक्कत है. तो फिर मेरे को पता चला कि एक यूट्यूब मतलब एडसेंस का एक प्रोसेस होता है जो होता है एड्रेस वेरिफिकेशन. उसमें क्या होता है कि एडसेंस वाले $10 आपके जब हो जाते हैं तो आपके घर पे एक पिन भेजते हैं पोस्ट के थ्रू. वो पिन जो है आपको एडसेंस अकाउंट पर डालना होता है, तभी आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है. अगर आप ये प्रोसेस नहीं करते हो तो आपके एड्स बंद हो जाते हैं. सिमिलर चीज मेरे साथ हुई, मेरे एड्स बंद हो गए. इसके 3 अटेम्प्ट्स होते हैं बेसिकली, आप लोग 3 बार अप्लाई कर सकते हो पिन के लिए, और उसके बाद आप लोग अगर 3 बार में पिन नहीं डालते हो 2 से 2.5-3 महीने तक के, तो आपके जो एड्स हैं वो बंद हो जाते हैं. वही चीज मेरे साथ भी हुई, तो मेरी जो है बिल्कुल वही हालत हो गई थी. तो फिर मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब था कि यार क्या करना है, कि जो थोड़े बहुत पैसे बने हैं वो भी घुस जाएंगे और आगे इनकम भी नहीं आ पाएगी. एट दैट टाइम मेरे को ये आइडिया आया था कि मैं ब्लॉग चैनल स्टार्ट करूँगा. समझ रहे हो कि जो अयाज से मिले हो अभी थोड़ी देर पहले, वो क्यों बोल रहे हैं आपसे कि ब्लॉग चैनल खोलना है, उसका मेन रीज़न ये था. समझ में आया? खैर वो तो बात की बात है, ब्लॉग चैनल तो खुलेगा ही खुलेगा, ब्लॉग्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन मेन बात यह है कि फाइनली एड्रेस वेरिफिकेशन जो था वो हो गया. अब मैंने भी अपने थोड़े यूट्यूबर भाइयों से पूछताछ करी कि भाई मेरी ये दिक्कत है, मेरी थोड़ी हेल्प कर दो. तो मेरे भाई लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, और मेरे को पता चला कि मेल के थ्रू भी एड्रेस वेरिफिकेशन होता है जब अगर आपके 3 अटेम्प्ट हो गए हैं और आपका एड्रेस वेरिफिकेशन ना हुआ हो. तो मेल के थ्रू मैंने अपना सारा मेल विल, मतलब जो बेसिकली उसका एक प्रोसीजर होता है, फॉर्म ऑफ फिलअप करना रहता है, एक आईडी, गवर्नमेंट आईडी देनी पड़ती है, तो वो सब मैंने दी, और फाइनली 24 घंटे के अंदर ही मेरे को रिप्लाई आ गया कि आपका जो एडसेंस का पिन है वो वेरीफाई हो गया है, अप्रूव हो गया है, और नाउ यू आर एलिजिबल. देख लो इंग्लिश भी अटक रही है. नाउ यू आर एलिजिबल टू अर्न मनी थ्रू यूट्यूब. अब आपका भाई खुश है, आपका भाई पैसे भी कमाएगा, आपका भाई वीडियोस भी डालेगा, आपका भाई यूट्यूब भी बनेगा. नहीं क्या यूट्यूब नहीं बनेगा, मतलब इतनी खुशी है ना अंदर से कि देख रहे हो. दैट इज इट. आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी. कमेंट जरूर करना कि ब्लॉग चैनल खोलना चाहिए या इसी चैनल पर ब्लॉग कंटिन्यू करने चाहिए. अगर मजा आया हो तो लाइक शेयर कर देना. मिलेंगे अगली वीडियो में. बाय बाय, पीस आउट.